नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है ऑन द बैटल विथिन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विनीत विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। विजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्र प्रति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और
नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुफ्ती की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी ख़त्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। अधिकतर जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और
नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन देने वाले उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विथ इन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। विजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती हैं और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती
अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसे उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती
अक्षय अभिराय अतः अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसे उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाता दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी। एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती
अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसे उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिर दोस्त पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी। एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक में से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा उसके बारे में एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विनीत विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक
हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हरकत बल्कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक में से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस
खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है, और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन, और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल बीनीथ विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को
उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था जो युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहां वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी
तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार के परिवार की बेटी फिरहाद फिरदोश कटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेमर बेगम जो हजरत बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था जो युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक कबीर आते करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक
अमीर कुलीन परिवार के परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था जो युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक कबीर आते करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ति अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन, और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीज किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है, लेकिन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब ढंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा।
आदित्य जो फिल्म में एक कमर कर रहे हैं आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है।
आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर डरा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे
बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन। और ये मूवी कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विनीत विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ति अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और
नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक में से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होता है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी
मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक पे से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती हैं और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और
नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुफ्ती की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी ख़त्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथिन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीज किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसे उसके सारे
गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है। और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित है। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य, जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसे उसके सारे
गहने लेकर भाग गया, दिखाता दिखाना है कि उससे फिर दोस्त पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हरकत ना कि हजरत ना गजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है। और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक में से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल बीनीथ विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है, जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस
खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है, और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है, जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है।
सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिर दोस्त कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है, और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस
खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में इसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है, और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी ख़त्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथ इन, और ये मूवी कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल बीनीथ विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन
उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक में से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था,
वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उन उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहां तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिराय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक पे से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विद इन, और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विद इन का पहला रीजन
घिर दिया गया है, गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज़ और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीज किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। विजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेहतर तीव ढंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी।
हजरत के एक और फ्लैशबैक पे से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिर दोस्त उसकी गोदली हुई बेटी है। वो बैकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी ख़त्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी
गोद ली हुई बेटी है। वो वकुल होकर वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथिन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विनीत विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीज किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब दंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब
अजय देवगन द्वारा की गई थी। एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है। और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुफ्ती की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब
अजय देवगन द्वारा की गई थी। एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब
अजय देवगन द्वारा की गई थी। एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करता है करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है। और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ऑन द बैटल विथिन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संगी अभिनीत ओम द बैटल बीनीथ विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीच किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब ढंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद हो रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस
खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है, और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य, जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उससे गहरा लगाव हो जाता है, जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस
खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं, जहां उसका फिर दोस्त कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुक्ति अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है, जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, न कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है, जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है। और नूर को पता चलता है कि उसे उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक पे से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोदली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है ऑन द बैटल विथिन। और ये मूवी कब सिनेमाघर में रिलीज होगी और उसके बाद किस टाइम में उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य राय कपूर और संजना संघी अभिनीत ओम द बैटल विदिन का पहला रीजन गिरा दिया गया है। मेकर्स जो स्टूडियोज और अहमद खान ने इसमें पहले आदित्य के रफ लुक को टीज किया था। वीडियो में आदित्य एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, देश के लिए मरने के तैयार है। रीजन शैलीबद्ध और उच्च अक्टेन दृश्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य लोगों की पिटाई करता है और बेतरतीब ढंग से बंदूकें चलाते हैं। अनुमान लगाने के लिए कई पुरस्कार नहीं, ऐसा लगाता है जैसे ओम छाती पीटने वाली देशभक्ति फिल्मों की नवीनतम श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस
मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का, कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार के परिवार की बेटी फिरदोस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदोस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदोस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदोस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करती है क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदोस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदोस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदोस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदोस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदोस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदोस ने हजरत के साथ मुफ्ती की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदोस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं, ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक 13 वर्षीय
कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिरय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुक्ति के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्मृति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है। आदित्य जो फिल्म के लिए कमर कर रहे हैं ने पहले अपनी यात्रा और भविष्य कसरत समन के बारे में खोला था। वे कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मुझे अपने सभी प्रशंसकों को साथ फिल्म की एक झलक साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्रयास है जो उतना ही फायदेमंद रहा है जितना कि ये चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मेरे निर्देशक और निर्माताओं को उनके समर्थकों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस मनोरंजन के सभी तत्वों को पसंद आएगा। नूर आदित्य राय कपूर एक मध्यम वर्ग परिवार का एक 13 वर्षीय कश्मीरी लड़का कश्मीर में एक अमीर कुलीन परिवार की बेटी फिरदौस कैटरीना कैफ से मिलता है और उसे
गहरा लगाव हो जाता है जो उसे रोजगार देता है। फिरदौस की माँ बेगम हजरत जहाँ तब्बू जो अपनी युवावस्था जो युवा व्यवस्था में ही दिल टूट गया था और दूर नूर की भावनाओं को उसकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए अस्वीकार कर दिया था। उसके बावजूद नूर और फिरदौस तब तक करीब आते हैं जब तक हजरत फिरदौस को स्कूल के लिए विदेश नहीं भेजता। नूर का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस खबर को तोड़ती है। सालों बाद नूर आदित्य राय कपूर को एक प्रतिष्ठित कला छात्रवृत्ति मिलती है और वो दिल्ली चले जाते हैं जहां उसका फिरदौस कैटरीना कैफ से सामना होती है। इस समय तक वो एक पाकिस्तानी राजनीतिक बिलाल राहुल भट्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन नूर की भावनाएं नहीं बनती है और वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। नूर के साथ शुरुआती टकराव के बावजूद जो इस समय तक एक सफल कलाकार है, हजरत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा है कि फिरदौस को बिलाल से शादी करनी चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश देना चाहिए। हजरत और उसके प्रेमी मुफ्ती अक्षय अभिनय का एक फ्लैशबैक जो उसे गर्भवती छोड़कर उसके सारे गहने लेकर भाग गया दिखाना है कि उससे फिरदौस पर बिलाल से शादी करने और उसके प्यार को छोड़ने पर जोर क्यों दिया। नूर लंदन में एक कला शो के लिए यात्रा करता है जहां उसे पता चलता है कि कला छात्रवृत्ति मुआजब अजय देवगन द्वारा की गई थी, एक आतंकवादी जिसे उसने युवा होने पर बचाया था, ना कि हजरत द्वारा ऐसा उसने सोचा था। इस बात से परेशान कि वो मुआजम को योजना में केवल एक मोहरा रहा है और वो महसूस करते हुए कि हजरत उसे हर समय खेल रहा है। नूर लंदन में उसका सामना करती है जहाँ वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से इनकार करती है और अपने पूर्व प्रेमी मुफ्ती के लिए गुस्से में आ जाती है और नूर को पता चलता है कि उसके पास है उसका दिल तोड़कर छुटकारे की मांग कर रहा था। नूर वापस गोलरी में जाती है और अपनी कलाकृति को जला देती है जो फिरदौस की स्थिति से संबंधित थी। हजरत के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने अपने बच्चा खो दिया और फिरदौस उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो व्याकुल होकर उठती है और आत्महत्या कर लेती है। उसके अंतिम संस्कार में एक दुखी फिरदौस ने हजरत के साथ मुक्ति की तस्वीर को खोजने के लिए अपना पेंडेंट खोला और महसूस किया कि वो नूर के लिए अपने प्यार को भी खत्म कर सकती है। यह एहसास के लिए साथ फिरदौस बिलाल को छोड़ने का फैसला करता है और नूर के साथ फिर से जुड़ जाता है।